अब खबरें विस्तार से। मुंबई के बोरीवली प्रभु उपवन सेवा केंद्र पर महिर समाज के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिर समाज के 100 से अधिक लोग शामिल हुए। यूके से आई बीके मणि और बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी ने सभी लोगों को संबोधित किया, तो वहीं लेस्टर की बीके जया और मीना भोगीसरा ने अपने अनुभव साझा किए। जेवा विचारो अपने करसू, जेवी वातों ने अपने याद करसू, एवी अपनी मननी स्थिति बन से। कार्यक्रम के दौरान महर समाज के प्रमुख दास भोगेसरा, बीके कविता, बीके हेतल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं और कार्यक्रम को सफल बनाया। शांति ना सागर परमात्मा ने शांति ने लहरों मारा हृदय ने आराम आपी रही छे। दिल्ली के करोलबाग स्थित पांडव भवन सेवा केंद्र पर संस्था की महिला प्रभाग द्वारा पारिवारिक सशक्तिकरण को लेकर संगोष्ठी हुई। महिला प्रभाग की चेयरपर्सन बीके चक्रधारी दीदी, संस्था में यूरोप सेंटर्स की डायरेक्टर बीके सुदेश दीदी, पांडव भवन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में विधायक विशेष रवि, म्युनिसिपल काउंसलर उर्मिला गौतम, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की RJ विभा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। पारिवारिक एकता के लिए बोलते हुए सुदेश दीदी ने 3 प्रमुख बातें बताईं और वो हैं, परिवार के हर एक सदस्य के महत्व को जानें, उनके अंदर स्वमान को जागृत करें और उनके अंदर उमंग उत्साह की भावना भरने का प्रयास करें। वहीं बीके चक्रधारी दीदी ने विचारों के महत्व की ओर सभी का ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि हमारे विचारों से ही वातावरण का निर्माण होता है, इसलिए सदा सकारात्मक चिंतन करने का प्रयास करें। हमारे जो असली गुण है शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, समझ का, स्नेह का, सम्मान का, सत्कार का, उपकार का, वह नहीं होता है। आश्रम बनाएंगे तो घर उपवन उपकार भवन बन जाएगा। स्वयं स्वयं से पूछे कि हमें स्वयं को स्वयं की कितनी वैल्यू। जब हम ये शब्द कहते हैं कि मुझे एक के अच्छे बनने से क्या हो जाएगा, ये सब तो ऐसे हैं, नहीं। आप अपनी कदर पहचानिए, स्वमान को जानिए। अगर आप एक अच्छे हैं, आप एक के वातावरण से सारे परिवार के वातावरण में परिवर्तन आएगा। यहाँ सेंटर आके सेंटर में जो सेशंस हैं उनको अटेंड करके हमेशा जो है ज्ञान की वृद्धि होती है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। और जो खास बात है यहाँ की, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरी है जीवन जीने के लिए, वो ये है कि आपको यहाँ से एक विचारधारा मिलती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बेजताल घाट पर एक चर्चा सभा का आयोजन किया गया। यह जागरूकता सभा ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पथ जीवन संस्था, युवा संस्था, भारत मिशन ट्री एनवायरनमेंट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित रही, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। जल संरक्षण को लेकर हुई सभा में राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने सभी का ध्यान जल संकट की ओर खिंचवाते हुए कहा कि अगर हमने समय रहते जल संकट को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज अगर हमने गहराई से नहीं समझा तो आने वाला समय हम सब के लिए बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह होगा। आप सोचिए कि इतनी आबादी और पानी केवल 1% जो हमारे यूज के लिए है, उपयोग के लिए है, और हम उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं या हम उसको व्यर्थ गवा रहे हैं।
बीके प्रहलाद के अलावा जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व निदेशक गिरिराज गोयल, कमिश्नर किशोर कान्याल, डिप्यूटी कमिश्नर शिशिर श्रीवास्तव, फ्री एनवायरनमेंट फाउंडेशन की प्रोग्राम इंचार्ज डॉक्टर अंजलि बंसल, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत रामदास महाराज जी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए। गुरुग्राम के सेक्टर 18 में पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल दीदी का स्टेट बैंक ऑफ एकेडमी में एक इंटरेक्टिव सेशन आयोजित हुआ, जिसमें बीके उर्मिल दीदी ने 50 से अधिक विजिलेंस ऑफिसर, एसबीआई डीजीएम और एजीएम को तनाव को समाप्त कर खुशनुमा जिंदगी जीने के प्रैक्टिकल टिप्स दिए। साथ ही उन्होंने नकारात्मक और व्यर्थ विचारों के प्रभाव से बचने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने की सलाह दी। मुंबई के ठाणे में मराठी न्यू ईयर के मौके पर नवापाड़ा सेवा केंद्र द्वारा रैली निकाली गई। रैली में बीके सदस्यों ने श्रेष्ठ और समृद्ध भारत के निर्माण में राजयोग की अहम भूमिका का संदेश दिया। ठाणे सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस रैली का अवलोकन पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे, मराठा मंडल के प्रेसिडेंट सुरेश सुर्वे, कार्यकारी अध्यक्ष जनार्दन कलीन समेत कई गणमान्य लोगों ने अवलोकन किया। मध्य प्रदेश जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर सिंधी नववर्ष में आयोजित स्नेह मिलन में विधायक अशोक रूहानी, लाड़काना बिरादरी के अध्यक्ष नारायण दास उधरानी, भारतीय सिंधु समाज के राजकुमार कंधार, सिंधु महिला सभा की मनीषा रोहाणी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी उपस्थित रहीं। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर विर्गो यूएपी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में डायबिटीज डिटेक्शन कैंप आयोजित हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी की मौजूदगी में डॉक्टर्स ने बीके सदस्यों और आम लोगों की शुगर की जांच की। अमृतसर में ब्रह्मा कुमारी लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में तनाव मुक्त और सशक्त जीवन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने 400 बच्चों को संबोधित करते हुए मेडिकल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन के बीच समानता समझाने का प्रयास किया, तो वहीं बीके पवन ने जीवन में स्पिरिचुअल एजुकेशन का महत्व बताया। औरंगाबाद में शिव शक्ति भवन छत्रपति संभाजी नगर की ओर से विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता रहे मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सदस्य डॉक्टर बीके सचिन परब। कार्यक्रम में औरंगाबाद की प्रभारी बीके शीला दीदी और अपर जिलाधिकारी छत्रपति संभाजी नगर अन्ना साहेब शिंदे की खास उपस्थिति में संपन्न हुआ। उनके अलावा सिडको सेवा केंद्र की संचालिका बीके शांता और बीके मिताली भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। पंजाब के जंडियाला गुरु में नगर पालिका कर्मचारियों के लिए स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा नगर पालिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के प्रधान संजीव कुमार लावली, पूर्व नगर पालिका ऑफिसर अमृतलाल खन्ना, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर तारा चंद्र समेत कई नगर पालिका सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहा नैतिक शिक्षा से आदर्श शिक्षक, जिस पर संस्था के मुख्यालय से आए राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। कार्यक्रम में जंडियाला गुरु सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नर्मदा, बीके भूपेंद्र भाई समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। अगर यहाँ के नगर पालिका वाले सभी मिल करके, अगर ब्रह्मा कुमारी को साथ में लेकर के हर वार्ड में आध्यात्मिक क्रांति लाने की जरूरत है। हर वार्ड में जो भी नशा करता है, कोई व्यसन करता है, उसको छुड़ा करके उनको एक अच्छा इंसान बनाने की जरूरत है। ऐसे
ऐसे ही एस ए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आध्यात्मिक शिक्षा और सरस्वती हेल्थ क्लब में तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बी के भगवान ने सभी का मार्गदर्शन किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। जापान और फिलीपींस की रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके रजनी दीदी पहुंची दिल्ली के दिलशाद गार्डन और दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र। बीके इंदिरा दीदी, बीके अमृत दीदी, डॉक्टर मूलचंद और डॉक्टर संध्या ने किया बीके रजनी दीदी का स्वागत। सेंटर के करीब 200 बीके सदस्य हुए शामिल। बीके रजनी दीदी ने आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए टिप। दिल्ली इंद्रपुरी के जेजे कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारीज ने लगाया निशुल्क स्वच्छ ठंडे पानी का प्याऊ। राष्ट्रव्यापी जल जन अभियान के अंतर्गत इंद्रपुरी वासियों को दिया तोहफा। नगर काउंसलर ज्योति गौतम, इंद्रपुरी थाना SHO, दिल्ली MCD के हीराजी और बीके बाला रही कार्यक्रम में उपस्थित। यूपी में ब्रह्मा कुमारीज हापुड़ की ओर से पारिवारिक सशक्तिकरण अखिल भारत अभियान का हुआ आयोजन। महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर हुए इस कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन मालती भारती और गौतम बुद्ध नगर जिला उद्यान अधिकारी शिवानी तोमर रही मुख्य अतिथि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने दिया सभी को शिव परमात्मा का परिचय। MP के जबलपुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष में हुआ कार्यक्रम। रेज एवं पूर्णा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बीके भावना रही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। ग्वालियर के ITM महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के लिए 7 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में आयोजित हुआ शिविर। रासेओ जिला संगठन के डॉक्टर मनोज अवस्थी, ITM यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर SN खेडकर रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। ब्रह्मा कुमारीज गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके ज्योति दीदी रही मुख्य वक्ता। वहीं ग्वालियर मुरार के सूरीनगर ज्ञान सूर्य भवन में हुआ महिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह। नारी स्वर्ग का द्वार है विषय पर कार्यक्रम में हुई चर्चा। पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता रही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। विशिष्ट अतिथि के तौर पर आशा सिंह, नीलम जगदीश गुप्ता और बीके ज्योति और बीके अर्चना हुई शामिल। MP के सारंगपुर में सतचंडी यज्ञ में संतों का किया गया सम्मान। धार्मिक स्थल बिजासन धाम भेसवा माताजी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नगर के संत महात्माओं के साथ सारंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी और बीके प्रीति का भी किया गया सम्मान। वरिष्ठ समाज सेवी ओम राठी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा व उत्कृष्ट कार्यों की सराहना। MP में बैतूल में नवनिर्मित भाग्य विधाता भवन की बनाई गई प्रथम वर्षगांठ। सालगृह पर किया गया न्यायविद सम्मेलन और स्नेह समारोह का आयोजन। स्वर्णिम भारत की स्थापना में न्यायविदों की भूमिका विषय पर हुई चर्चा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BD राठी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राणेश्वर कुमार प्राण, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ब्रजेश ब्रज किशोर पांडे रहे उपस्थित। यूपी गजरोला में श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर टीकाकरण जागरूकता रैली और स्ट्रेस मैनेजमेंट संगोष्ठी। ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के लाइफ कोच बीके सुभाष एवं कोलकाता के बीके तपन ने छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन का बताया महत्व। कार्यक्रम में डॉक्टर सुधीर गिरी, विधायक डॉक्टर कमल मलिक, कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी रहे मौजूद। आज फिलहाल इतना ही, लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।